हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है कि टीडी बुक से, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बुक से पढ़ रहे थे, जो कि आपने देखा था चैप्टर था कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। उसमें मैंने आप लोगों को सपोर्ट पढ़ाया था, सपोर्ट के बाद आपने देखा था कंडक्टर, कंडक्टर के बाद हम लोग पढ़ रहे थे इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में आपने देखा था कि जो हमारी लास्ट टॉपिक हमने आपको पढ़ाया हुआ था इंसुलेटर में, वो था हमारा जो है कि लास्ट टॉपिक जो था आपने देखा था बुशिंग इंसुलेटर, या इसी को हम टर्मिनल इंसुलेटर बोलते हैं। अब उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, जो है कि देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है निलंबित विद्युत रोधक की लड़ी पर विभव वितरण एवं दक्षता, यानी स्ट्रिंगिंग इफिशेंसी। देखिए, इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम इस फिगर में आएंगे। देखिए, हम थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि आपने देखा है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है कि यदि दो इलेक्ट्रोड के मध्य में, यानी इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अगर हम कोई इंसुलेटिंग वगैरह मटेरियल रख दें तो क्या बन जाता है, कैपेसिटर बन जाता है। देखिए, अगर ये हमारा कोई दो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में अगर कोई इंसुलेटेड मटेरियल रख दें तो क्या बन जाता है, कैपेसिटर बन जाता है। तो इस फिगर में भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इस फिगर में, देखिए ये हमारा टावर है, ये हमारा जो है कि क्रॉस आर्म है। अब इस क्रॉस आर्म से हमने यहाँ पर देखिए जो है कि सस्पेंशन इंसुलेटर लटका रखा है, देखिए, और फिर इसके बाद इस सस्पेंशन इंसुलेटर से कंडक्टर जा रहा है, ये बिल्कुल कंडक्टर बंधा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो इंसुलेटर, इसका ये पिन होता है, और ये पिन जो होता है मेटल का होता है, इसके बीच में क्या है हमारा, ये इंसुलेटर। इसी तरह से देखिए, ये हमारा इंसुलेटर है, इस ये क्या है पिन है, ये पिन और ये पिन, दो इलेक्ट्रोड हो गया, इसके मध्य में जो इंसुलेटर इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया। इसी तरह से देखिए, ये पिन इसका पिन इसके बीच में है, इसी तरह से ये पिन इसका पिन इसके बीच में। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पर ये मेटल है, ये भी मेटल है, इसके बीच में हमने कोई इंसुलेटर मेटल लग देती, ये क्या बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा। जब इसको हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर बन जाएगा। इसी तरह से देखिए, ये पिन इसका है, ये पिन इसका है, इसके बीच में क्या बन जाएगा, ये कैपेसिटर बन जाएगा, ये भी कैपेसिटर काम करेगा। यानी कहने का मतलब, देखिए इसी तरह से ये पिन इसका, ये पिन, ये भी क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। इसी तरह से ये पिन इसका, ये पिन, ये भी क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर काम आप लोग जानते हो कि कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। अब देखिए, इसी तरह से इसमें देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपने देखा टावर। तो अब ये टावर है, तो टावर भी तो मेटल का होगा, और ये देखिए मेटलिक पर मटेरियल बना हुआ था, इसके बीच में भी क्या ये हो जाएगा, ये हवा जो है, देख रहे हैं हमने लिख रहा है ना, एयर क्या बनेगा, डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल काम करेगा, तो ये कैप्चर बन जाएगा। इसी तरह से देखिए, ये मेटल है और इसके बीच में ये मेटल है, और ये भी जो हमारा टावर मेटल, इसके बीच में ये भी क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। इसी तरह से ये मेटल है, ये भी क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। ये मेटल है, ये भी क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। ये मेटल है, ऐसे जो है कि कैपेसिटर भी बन जाएगा। तो जो आपने देखा था कि जो ये इसके बीच कैपेसिटर बनता है, ये जो कैपेसिटर बन रहा है, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल कैपेसिटर। इसको क्या बोलते हैं हम, म्यूचुअल कैपेसिटर। इसके लिए इसको CM से लिखेंगे। और पोल जो हमारा एक टावर है, टावर और ये जो है हमारा मेटल है इंसुलेटर का पिन, उसके बीच में बनेगा जो कैपेसिटर, इस तरह से इसको हम बोलेंगे संट कैपेसिटर। इसको हम लिखेंगे CS। तो देखिए, इसी चीज़ को हम नीचे दिखा रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा देखिए फिगर है, देखिए इस फिगर को समझेंगे तो सारी चीज़ समझ में आपको आ जाएंगी। देखिए फिगर में, देखिए ये फिगर है, इस फिगर में देखिए आपने देखा कि ये जो हम जहाँ जहाँ कैपेसिटर बनाए, ये इंसुलेटर मटेरियल है, ये क्या रहा होगा, इंसुलेटर मटेरियल है, और ये इसका पिन है। इसी तरह से इस पिन से इस पोल जो हमारा टावर है, ये भी कैपेसिटर बनेंगे। अब हम देखिए लिया लिखा CS3 CS2 CS1, यानी CS1 का मतलब हो गया संट कैपेसिटर 1, संट कैपेसिटर 2, संट कैपेसिटर 3। इसी तरह से हमने CMO लिखा हुआ है,
यानी कि म्यूचुअल कैपेसिटर 1, म्यूचुअल कैपेसिटर 2, म्यूचुअल कैपेसिटर 3। अब इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ पर आई वन धारा इससे इसके बीच में जो है आई वन धारा, इसी तरह से आई टू, आई थ्री यहाँ पर देखिए दिखा रखा हुआ है, और देखिए इसका धारा अलग होगा, इसी तरह से इसमें भी धारा जाने वाला अलग होगा, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल आई से लिखा हुआ, इस देखिए इसके धारा को स्मॉल आई से लिखा हुआ है। फिर इसी तरह से देखिए इसमें आई टू और ये आई थ्री, हमने इसको कैपिटल दिखाया, इसको क्या दिखाया स्मॉल, क्योंकि ये अलग अलग मतलब धारा अलग अलग होंगे इसमें। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम आगे भी दिखाएंगे, थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। देखिए जो हमने फिगर में आपको दिखाया, थोड़ा अगर फिगर दिमाग में होगा तो CM1 आपने देखा था क्या था, मैक्चुअल कैपेसिटर, CM2, CM3, इसी को हमने क्या मान लिया, CM मान लिया। इसी तरह से आपने देखा इसी को हमने क्या लिखा, सेल्फ मैक्चुअल कैपेसिटर हो गया। अब देखिए इसमें इसके बाद हमने CS1, CS2, CS3 बराबर CS मान लिया, अब देखा संडे सेंट कैपेसिटर है। अब देखिए हमें जो मैक्चुअल कैपेसिटर होगा वो बड़ा होगा, मतलब और किससे, संट कैपेसिटर के अपेक्षा, यानी कि जो मैक्चुअल कैपेसिटर होगा उसकी जो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी किसकी अपेक्षा, संट कैपेसिटर के अपेक्षा, मैक्चुअल सेल्फ मैक्चुअल कैपेसिटर का। इसको हमने यहाँ पर देखिए दिखा रखा है, ये जो हमने तीर दिखाया इसका मतलब बड़ा है, नीचे दिखा इसका मतलब छोटा। CM क्या है देखो, हमने यहाँ लिख रहा है, यह डिस्क के बीच का कैपेसिटर है, आपने देखा है डिस्क है, डिस्क ये है, डिस्क ये है, डिस्क इसके बीच का क्या है, कैपेसिटर है। और देखिए CS क्या है दोस्तों, CS के बाद देखिए CS क्या, यह डिस्क और टावर के बीच का कैपेसिटर है, आपने देखा था डिस्क और टावर के बीच में इन कैपेसिटर था, डिस्क और टावर के बीच में एक कैपेसिटर था। और CM देखिए बड़ा होगा किससे, CS से, मैंने दिखा दिया था। अगर हमने यह मान लिया है कि CM, हमने यहाँ दिखा दिया है कि CS/CM जहाँ होगा, देखिए इसकी यूज होगा, ध्यान रखिएगा CS/CM आप याद कर लीजिए कि बराबर हमने कोई कांस्टेंट मान लिया है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस रेशियो। ये क्या होता है, हमेशा एक से कम इसकी वैल्यू होती है। आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा होगा कि C = A(ε0/D, और यहाँ पर देखिए आपने देखा ER, जो कि मतलब कि जो है आप देख रहे हैं कि विद्युतशीलता कहाँ पर है, हवा में, और ये विद्युतशीलता कहाँ पर, निर्वात में है, ε0 और εr, εr की वैल्यू तुम आप जानते हैं कि एक लगभग एक ले लेते हैं, और ε0 की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, और d क्या है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य के बीच की दूरी है d। अब देखिए स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी क्या होती है, अभी हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे, इसको नीटा से लिखते हैं, नीटा बराबर क्या, टोटल वोल्टेज, ठीक है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस इंसुलेटर, यानी इंसुलेट अक्रॉस इंसुलेटर के बीच टोटल वोल्टेज बटे नंबर ऑफ डिस्क इंटू मल्टीप्लाई वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियर टू कंडक्टर। देखिए नीटा बराबर जाएगा वी बटे एन इंटू वी एन गुणे 100, एन क्या है, नंबर ऑफ डिस्क है, जैसे हम मानते कि हम पहले 3 डिस्क के लिए दिखाए तो वी अपनी जगह रहेगा, एन की जगह 3 हो गया और वी 3, तो इस तरह से हम वी वन वी टू वी थ्री का मान अगर निकाल लेते इसी में रख देंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसका डेरिवेशन जो कि आगे है, तो कैपेसिटर कैसे बना आप लोग पता है कि हाई वोल्टेज है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो भी हाई वोल्टेज 33 से जो भी एबव की लाइनें जाती हैं, अगर हम सप्लाई बंद कर दें तब भी उसके कंडक्टर चार्ज रहते हैं कुछ टाइम तक के लिए। कैसे चार्ज रहते हैं, देखिए ये हमारे कंडक्टर जा रहे हैं, ये कंडक्टर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें हमने हाई वोल्टेज, अब इसमें देखेंगे कि दो आपने क्या देखा, दो जो है कि यहाँ पर क्या हमारा मेटालिक है, इन दो अगर जो है कि मेटालिक के बीच में अगर कोई इंसुलेटेड मटेरियल रख दें तो क्या बन जाता है, कैपेसिटर बन जाता है। अब इंसुलेटेड मटेरियल क्या होगा, हवा तो होगा ना इंसुलेटेड मटेरियल, इसलिए जो है कि इन दोनों के बीच में हवा इंसुलेटेड मटेरियल काम करता है, जिसकी वजह से ये कैपेसिटर बन जाता है, और ये लाइन क्या हो जाती है, चार्ज रहती है कुछ टाइम तक के लिए। इसी चीज़ को हम देखिए आगे दिखा रहे हैं, इसकी जो है कि आपने देख लिया, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो इस आप CS/CM किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, इसकी आएगी वैल्यू ध्यान रखिएगा। और सी बराबर आपने देखा कैप्चर के लिए फॉर्मूला होता है ε0 AR/D, ये तो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ रखा है बहुत पहले ही। CM क्या है आपको पता ही चल गया, CS क्या है आपको पता ही चल गया, और इसके लिए देखिए फॉर्मूला आपने देखा है स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी का, इसको परसेंटेज में लेते हैं, देखिए फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से वी की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो जो भी होगा उसके सोल्यूशन कर सकते हैं, चाहे हमें 2 डिस्क के लिए निकालना हो, 3 डिस्क के लिए, 4 डिस्क, जितने भी डिस्क के लिए निकालना हो हम निकाल सकते हैं। तो फिर आगे देख रहे हैं इसको हम अभी, जस्ट देखिए जिस चीज़ को हमने आपको बताया सेम चीज़ उसी चीज़ को मैंने लिख रखा है, देखिए क्या लिख रखा है, हाई वोल्टेज की ओवरहेड लाइनों पर,
देखिए, हाई वोल्टेज की ओवरहेड लाइनों पर सीरीज डिस्क इंसुलेटर की लड़ी का प्रयोग किया होता है। आपने देखा था जो हमने इंसुलेटर लगाया हुआ था, सस्पेंशन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर को आपस में मेटल लिंक द्वारा श्रेणी में जोड़कर विभिन्न यूनिटों वाली लड़ियों को का निर्माण होता है। दो धातु कड़ियों के बीच एक इंसुलेटर के डिस्क जोड़ने के कारण प्रत्येक डिस्क एक कैपेसिटर की भांति कार्य करती है। आपने देखा था कि ये हमारा जो है कि मेटल है, अब ये इंसुलेटेड मेटल है। अब इसके बीच में देख रहे हैं क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर कोई इंसुलेटर मेटल बना आ जाता है तो क्या बन जाता है, कैपेसिटर, कैपेसिटर काम करने लगती है। देखिए यहाँ लिख रखा है, इसे म्यूचुअल कैपेसिटर कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, सीएम से, जो कि जो चीज हमने बताया आपको दिखाया था वहाँ पर फिगर में। इसी प्रकार प्रत्येक धातु की कड़ता भू संपर्कित इस्पात टावर के बीच, आपने देखा था कि ये हमारा था इंसुलेटर और ये हमारा टावर था, इसके बीच में भी तो दो इलेक्ट्रोड हो गया, इसके बीच में एयर जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल काम करेगा, इसी तरह से इसके बीच में एयर ये भी कैपेसिटर बना। और इसको हमने बताया था आप लोगों को, हम इसको बोलते हैं संट कैपेसिटर, जिसे हम बोलते हैं सी एस से प्रदर्शित करते हैं। देखिए उसी चीज़ को हमने यहाँ दिख रखा है। इसी प्रकार प्रत्येक धातु कड़ता भू संपर्कित इस्पात टावर के बीच वायु परावर्तक माध्यम, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम, हवा होता है ना, होने के कारण संधारित्र का निर्माण होता है, इसे संट कैपेसिटर कहते हैं। इसे सी एस से व्यक्त करते हैं, जो चीज़ हमने बताया वो चीज़ हमने यहाँ लिख रखा है। इसी संट कैपेसिटर के कारण जो होता है प्रत्येक डिस्क के क्रॉस समान वोल्टता नहीं रह पाती है। देखिए संट कैपेसिटर, आप जानते हैं कि अगर कैपेसिटर को संट में लगा दिया जाए तो वहाँ क्या होता है, वोल्टेज का मान समान नहीं होता, भिन्न भिन्न होता, धारा का मान क्या हो जाता है, समान होता है। इसी तरह से आपने रेजिस्टेंस में देखा था कि अगर रेजिस्टेंस को संट में लगा दिया जाए तो वोल्टेज समान होता, धारा अलग अलग होता है। जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर है कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर में। अब इसी फिगर को देखिए हमने यहाँ बना रखा है, इसकी देखिए जरूरत पड़ेगी अभी डेरिवेशन में, क्योंकि मैं इसका डेरिवेशन बिल्कुल जैसे आपको किया उसी चीज़ को मैं समझा देता हूँ आपको एकदम फिगर से। थोड़ा फिगर पर आप फोकस करिएगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल समझ में आपको आ जाएंगी। तो अब देखिए, अगर यहाँ से देखिए हमने क्या किया है, ये फिगर तो आपने देखा था, सेम वही फिगर है जो हमने अभी पीछे दिखाया था आप लोगों को। हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, ये सीएम है, ये भी सीएम है, ये भी सीएम है, यानी कि म्यूचुअल, आपने देखा कैपेसिटर, ये सीएस यानी कि क्या है, संट कैपेसिटर आपने देखा था। देखिए फिगर पर फोकस करिएगा खास करके, देखिए तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये हमने मान लेते हैं कि ये हमारा एक मेटल होगा, यानी कि ये हमारा इंसुलेटर, तो इंसुलेटर ये इंसुलेटर, इसके इस तरह से दो मेटल होंगे ना इंसुलेटर के, तो ये इसका ये है और ये, तो इसमें हम देखिए I1 धारा, कैपिटल I1 लिखा है, तो वहाँ जब I1 इसका होगा तो इसका भी तो I1 ही होगा, इसी तरह से ये दूसरे का I2 तो दूसरे का भी I2, I3 होगा ना। अब देखिए इसी तरह से एक फॉर्मूला देखिए यहाँ से क्या होता है, I बराबर होता है VYXC, और आप जानते हैं XC बराबर होता है 1/ωC, तो आई का मान यहाँ अलग निकाल लीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा, V/1/ω हो जाएगा, XC का मान यहाँ अलग दिया 1/ωC, आई का मान निकालेंगे, देखिए ये चीज़ आ गया, जहाँ आई होगा हम वहाँ लिख देंगे ओमेगा सी वी लिख देंगे, जहाँ भी आई होगा। तो इसी चीज़ को देखिए हम अगर ध्यान दें तो नोड ए पर चलते हैं। देखिए इस नोड ए के बारे में देखिए, नोड ए बी सी हमने बना रखा है, देखिए ये हमारा क्या है नोड ए है, देखिए यहाँ पर हमने नोड ए लिखा है ना ब्लैक पेन से, ध्यान रखिएगा। तो नोड ए पर अगर हम लगा दें KCL रूल, KCL अन नोड ए पर लगा दें, KCL आपने पढ़ा होगा किरचॉफ करंट लॉ, तो उसमें देखिए किरचॉफ करंट लॉ ए पर देखें, अगर मैं I2 का मान निकालूं, इस अगर हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगा करके इस I2 का अगर मान निकाल लूं, तो I2 में देखिए धारा कहाँ कहाँ जा रही है, एक इधर धारा जा रही है और एक धारा इधर जा रही है, इस नोड में इस I2 का मान अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा कैपिटल I1 प्लस स्मॉल I1 होगा ना, कैपिटल I1 प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल I1 होगा। तो अब आप देखिए कि जब हम I2 बराबर हमने क्या निकाल लिया, कैपिटल ये स्मॉल I1 प्लस कैपिटल I1, अब देखिए I2 की जगह क्या हम लिख सकते हैं, देखिए I2 की जगह कौन सा वोल्टेज लग रहा है, V2, तो जहाँ पर आपने देखा I बराबर इतना है तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे, ωV2 ωCM, देखिए ओमेगा क्या हो जाएगा CM, यानी कि C की जगह आप समझ ना, यहाँ पर C भी ये देख रहे ना, तो I2 की जगह होगा V2, क्योंकि V की जगह V2 हो गया है नोड पे, और ओमेगा C
ओमेगा सी को ओमेगा, सी के जगह सी एम हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्चुअल कैपेसिटर इधर है हमारा, ये सी एम, तो यहाँ हो जाएगा आई टू की जगह हम लिख सकते हैं, आई टू का मान क्या लिखेंगे हम, वी टू, आई टू की जगह ध्यान दीजिए वी टू ओमेगा सी एम, सी की जगह सी एम हो गया है। इसी तरह से आई वन का मान रख देंगे तो वी वन ओमेगा सी एम हो जाएगा, इसी तरह से आई कैप स्मॉल आई वन का मान वी वन ओमेगा सी एस हो जाएगा, क्योंकि इधर देखिए सी एस वाला है। इसी तरह से उसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से नोड हम अगर बी की बात करें तो नोड बी पर, अगर नोड बी पर हम भी लगा दें हम के सी एल लगा दें, तो यहाँ पर देखिए के सी एल लगाएंगे तो ये आई थ्री, आई थ्री का मान क्या हो जाएगा, आई थ्री का मान हो जाएगा आई टू स्मॉल वाला प्लस आई टू कौन सा कैपिटल वाला, देखिए आई थ्री का मान क्या हो जाए आई टू प्लस आई टू। तो अब यहाँ से आई थ्री के जो हम क्या लिख सकते हैं वी थ्री ओमेगा सी एम, वी थ्री ओमेगा वी वी थ्री ओमेगा सी होता है सी, देख रहे ना वी थ्री, वी का मान यहाँ पर होगा ओमेगा सी होगा एम ही हो जाएगा सी एम है यहाँ पर, तो वी थ्री ओमेगा सी एम किसका मान हो जाएगा आई थ्री का मान। इसी तरह आई टू का मान क्या हो जाएगा वी टू ओमेगा सी एम प्लस आई टू का मान इस्माल जो आई टू है इसमें देखेंगे तो उसकी भी मान वैल्यू रख देंगे, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे देखिए हम इसी चीज़ को सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, तो फिगर ये हो गया और जो चीज़ हमने आपको बताया वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखा है कि कैसे कैपेसिटर बनकर काम कर रहा है। तो इस फार्मूले का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यूज होगा आगे, अभी हम देखते हैं थोड़ा फिगर आप एक बार थोड़ा सा ड्रा कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने पीछे इस फिगर को ऐसे समझा दिया आगे इसका डेरिवेशन कर रखा है। तो देखते हैं हम आगे, देखिए तो फिगर आप ध्यान दीजिएगा, फिगर हमने वहाँ पर जो है कि ड्रा किया था। तो अब हम क्या लगाएंगे केसीएल ऑन नोड ए पर, नोड ए पर केसीएल लगाएंगे, तो आपने फिगर देखा था ना कि फिगर केसीएल नोड ए पर लगाया था हमने, यहाँ पर नोड ए पर हम लगा रहे हैं केसीएल रूल, नोड ए पर क्या लग रहा है भाई देखिए केसीएल रूल, नोड ए के बारे में आपने देखा था फिगर आपके पास था वहाँ पर नोड ए में। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर हल्का सा ड्रा करके आपको समझाना चाहेंगे, ये हमारा क्या था सी एम था कैपेसिटर आपने देखा था, इसके बाद जो है कि हमारी लाइन कहाँ जा रही थी इधर जा रही थी इधर से आ रही थी, ठीक है ये लाइन थी, इसके बाद देखिए हमारी लाइन ये इधर जा रही थी इस टाइप का। तो आपने क्या देखा था कि ये जो हमारा था ये क्या था कैपिटल आई वन था और ये भी कैपिटल आई वन था, इधर क्या था स्मॉल आई वन। तो आपने क्या देखा था यहाँ पर, इसके बाद जो था ये हमारी लाइन थी, तो अब ये आई वन, अब जब हम यहाँ से आई टू का मान निकालते क्या हो जाएगा आई वन, ये आई वन प्लस ये स्मॉल आई वन इधर हो गया था नोड ए पर। तो उसी चीज़ को मैंने फिगर आप थोड़ा देख लीजिएगा पीछे से, हम इसी को सॉल्व कर दिए यहाँ पर, तो आप देखिए जो चीज़ है तो ये आई टू बराबर लिख देंगे नोड ए पर, केसीएल लगा दीजिएगा आप लोग देखिएगा फिगर को आप देख कर केसीएल फॉर्मूला पढ़ें लगा दीजिएगा। अब देखिए आई का मान आपने क्या देखा था, आई बराबर था ओमेगा सी वी, आई बराबर क्या था ओमेगा सी वी। अब सोचिए जब यहाँ आई टू है तो ओमेगा वी की जगह क्या हो जाएगा वी टू, तो वी टू का मैंने पहले लिख रखा है, देखिए आपने क्या देखा आई बराबर ओमेगा सी वी, तो आई टू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आई टू बराबर क्या वी की जगह वी टू हो जाएगा, ओमेगा आपने जाएगा सी की जगह सी एम हो जाएगा क्योंकि मैं एक्चुअल कैप्चर था। तो आई टू का मान देखिए हमने यहाँ लिखा वी टू ओमेगा सी एम, आई वन का मान क्या हो जाएगा वी एम होगा ओमेगा सी एम, लेकिन ये स्मॉल आई वन तो था सेंट कैपेसिटर के लिए थी, यहाँ भी वी वन ओमेगा सी एस हो जाएगा बस। अब इसी को थोड़ा सा देखिए सॉल्व कर लिया जाए, इसी को देखिए दोस्तों आप थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए हमने सॉल्व कर रखा है तो सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए, ये हमने वही फार्मूला लिखा था। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, देखिए ये इसी चीज़ को हमने उतार लिया, फिर इसमें हमने क्या किया ओमेगा कॉमन ले लिया, तो ओमेगा से ओमेगा क्या करेगा कट जाएगा, तो बचेगा वी टू सी एम बराबर वी वन सी एम प्लस, अब इसमें वी वन भी कॉमन ले लो तो सी एम प्लस सी एस हो जाएगा, देखिए हुआ ना हमने यहाँ पर क्या किया वी वन कॉमन लिया, अब सी एम, अब सी एम से इसमें क्या करिए भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में किससे हमने भाग दे दिया भाई सी एम से, सी एम से क्या किया भाग देते हैं, सी एम से सी एम कट जाए तो क्या बचेगा वी टू बचेगा, इस सी एम से सी एम कटेगा कितना बचेगा एक बचेगा सी एस बाई क्या बचेगा यहाँ पर सी एम, देखिए सी एस बाई सी एम। अभी आपको देख मैंने बताया कि सी एस बाई सी एम की वैल्यू हमने क्या माना कांस्टेंट माना, तो बताइए वी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिए वी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ देखिए इसी में रख दीजिए वैल्यू,
इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो वी टू बराबर क्या वी वन रहेगा, वन प्लस के, इक्वेशन क्या हो गया वन। देखिए इक्वेशन वन समझ में आ गया आप लोगों को, ये हो गया इक्वेशन वन। इक्वेशन वन को देख लीजिए, देखिए इक्वेशन वन समझ में आ गया आप लोगों को, इक्वेशन वन को एक साइड में नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे किस पर, नोड बी पर आते हैं। नोड बी पर देखिए आप फिगर देख लीजिएगा, नोड बी पर आप भी लगा दीजिए, यहाँ भी केसीएल ला, केसीएल आप देखा किरचॉफ करंट ला, तो आई थ्री का मान निकाल लेंगे, आई टू प्लस आई टू। देखिए आई टू यहाँ जो कैपिटल आई टू दिख रहा है दोस्तों, ये कैपिटल आई टू किसके बीच लगेगा, सी एम मैचुअल ये कैपेसिटर के बीच में, और स्मॉल आई टू क्या है आप सी एस यानी आप देख रहे सेंटर कैपेसिटर के बीच में लगा प्रवाहित धारा। तो यहाँ से देखिए फिर वहीं लगा देंगे, आई थ्री के जगह क्या हो जाएगा वी थ्री ओमेगा सी एम हो जाएगा, आई टू की जगह वी टू ओमेगा सी एम हो जाएगा, और ये आई टू के सी एस बच हो जाएगा, यानी वी वन प्लस वी टू दो जुड़ गया ओमेगा सी एस। अब देखिए ओमेगा ओमेगा इसमें कॉमन ले तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया कट गया दोस्तों, तो वी थ्री सी एम बचा। हाँ देखिए वी थ्री आ गया, ये ओमेगा से ओमेगा हमने काट दिया, देखिए यहाँ पर सी एम है यहाँ भी सी एम है, तो सी एम से हमने क्या किया दोनों पक्षों में भाग दे दिया, किससे भाग दे दिया सी एम से, सी एम कट गया यहाँ से भाग दिया सी एम से, ये भी सी एम क्या किया कट गया, तो यहाँ बच्चा वी टू वी वन प्लस वी टू बाई सी एम, देखिए इसके बट्टे में हो जाएगा, यानी ये वी थ्री यहाँ बच गया, ये बच गया यहाँ पर वी टू क्योंकि सी एम से भाग दे दिया था, वी वन प्लस वी टू और सी एस बाई क्या हो जाएगा ये सी एम, सी एस बाई सी एम किसके बराबर है के के बराबर है, देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा वी थ्री बराबर वी टू प्लस वी वन प्लस वी टू के, समीकरण क्या हो गया दो। अब हम क्या करेंगे जो वी टू का मान है, किसका मान दोस्तों यहाँ पर देखिए जो समीकरण एक को ध्यान से देखिए, समीकरण एक में किसका मान निकाला वी टू, जहाँ वी टू लिखा है वहाँ हम लिखेंगे वी वन वन प्लस के, जहाँ भी लिखा होगा वी टू उसी चीज़ को हमने यहाँ पर देखिए, हमारे पास समीकरण समीकरण दो में को ध्यान दीजिए हमने लिख रखा है, समीकरण दो है ना, जहाँ वी टू होगा वहाँ पर हम लिख देंगे वी वी टू का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, जहाँ भी वी टू होगा वन प्लस के वी वन, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ वी टू बराबर वन प्लस के वी वन इज इक्वेशन टू, दो में रख दो तो वी थ्री अपनी जगह उतर गया, जहाँ वी टू है वहाँ क्या लिख दिया हमने वन प्लस के वी वन, और फिर जहाँ वी वन वहाँ क्या हो गया वी वन रहने दिया हमने प्लस वी टू वी वन रहने दिया, फिर वी टू का मान क्या हो गया गुणा कर लिया वी वन के वी वन। अब देखिए इसके बाद क्या होगा वी थ्री बराबर वी वन, अब एक हो गया यहाँ पर तो वी वन उतर कामन ले लिया वी वन के वी वन के वी वन के, तो कामन ले लिया तो के तीन बच जाएगा, तो वी थ्री बराबर वी वन कामन ले वन प्लस थ्री के प्लस के स्क्वायर, समीकरण क्या बन गया तीन। अब समीकरण तीन देखिए दो तीन बन गया ना, समीकरण एक दो तीन को अनुपातिक समीकरण में लिख लीजिए, इसको अनुपातिक में हम अगर करना चाहें तो पहले हमने क्या लिखा अनुपातिक में V1, V2, V3, तो V1 की वैल्यू कुछ नहीं है वन मान लिया, V2 की वैल्यू कितनी बचने के लिए दोस्तों वन प्लस के, V3 की वैल्यू आपने देखा क्या निकला था वन प्लस थ्री के प्लस के, इस पर देखिए निकला ना। अब हमने टोटल को V मान लिया तो V बटे क्या निकल गया, अब इसी को जोड़ लो सबको, तो सबको देखिए V बराबर क्या V1 प्लस सबको जोड़ लिया तो थ्री प्लस फोर के प्लस के स्क्वायर, तो ये V की वैल्यू निकल गई। देखिए थोड़ा सा फिगर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया पीछे आप लोगों को बना दिया, नहीं उसी फिगर में समझा देता, बट आप फिगर को देख लीजिएगा और नोड ए और बी पर आप कुछ नहीं करना है, बस केसीएल फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बाकी वैल्यू आप देख लेंगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसी चीज़ को देखिए हमने समीकरण एक यहाँ पर नोड ए पर बना लिया समीकरण एक, देखिए इसी तरह से आप क्या बना लीजिएगा नोड बी को सॉल्व कर लीजिए, दो समीकरण बनेगा, समीकरण एक की वैल्यू दो में रख दीजिएगा V2 का मान फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, तो एक देखिए ये आपका निकल जाएगा V की वैल्यू, बहुत इम्पॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप इसको आप लोग। अब देखिए फॉर्मूले को देखिए, अब जैसे वो फॉर्मूला आपने देखा कि एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो हमने क्या किया सबसे पहले जो है कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो डिस्क है, तो फॉर्मूला तो यही होता है न्यू नीटा बराबर वी बटे एन गुड़े वी एन, अब देखिए नीटा बराबर वी बटे, अब वी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं दोस्तों थ्री प्लस फोर के प्लस के स्क्वायर देखिए और टू हो जाएगा, अब वी टू की वैल्यू देखिए उधर समीकरण नंबर एक को देखिए वन प्लस के निकल गई है, तो ये निकल गया दो डिस्क के लिए। इसी तरह से अगर हम तीन डिस्क लेते हैं तो तीन डिस्क में अगर इसकी एफिशिएंसी निकालनी है स्ट्रेंथ एफिशिएंसी, तो आप देखिए निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला तो हमारे पास वहीं रहेगा। देखिए अब V की वैल्यू आपने क्या निकाला, ये निकाला है N का कितना डिस्क ले रहे हैं तीन, और V थ्री वी एन मतलब V थ्री की वैल्यू क्या निकली, ये निकली है। इस तरह देखिए आप
चार पांच डिश के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये चीज़ टॉपिक आपको हमने बताया, जो डेरिवेशन उसका खास करके। अब देखिए क्वेश्चन पूछ मतलब कि अब क्वेश्चन पूछता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने की विधियाँ बताइए। तो देखिए हमने दोस्तों लिख रखा है कि इसको बढ़ाने की एफिशिएंसी को बढ़ाने कौन कौन सी विधियाँ हैं। पहले तो इंसुलेटर डिजाइन मेथड, अभी हम आपको बताएंगे, क्रॉस आर्म डिजाइन मेथड, कैपेसिटर ग्रेडिंग मेथड, स्टैटिक शील्डिंग मेथड, और यहाँ पर यूजिंग लेस नंबर ऑफ डिश, इस तरह से एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और सब इसके बारे में हम बताएंगे कैसे इसको हम बढ़ाते हैं। दोस्तों तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपना आगे लेकर आएंगे। और हाँ आप दोस्तों प्लीज़ आप जो है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों आप लोग जो है कि बिल्कुल जो है कि वीडियो को आगे बढ़ाइए, आप ही लोगों के ऊपर सब चीज़ डिपेंड है। अगर जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी हम लोगों के लिए मेहनत करें तो काफ़ी जो है कि चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी। और हाँ अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है जो हमने बताया जी एनी वे जिस जो टॉपिक पढ़ा रहे उसमें, तो प्लीज़ आप जो है कि कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।